रामपुर गांव में अंकित और अभिषेक दो भाई रहते थे। अंकित कुछ समय पहले पैसे कमाने दिल्ली चला गया था। वो वहां जूतों की दुकान चलाता था। अभिषेक गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करता था। अंकित और अभिषेक दोनों के नाम 50-50 बीघा सेब के बाग थे, जिनमें बहुत मीठे सेब आया करते थे। अंकित की बेटी राधिका को सेब के बागों में घूमना बहुत पसंद था। बाग के कोने में एक बहुत बड़ा घना सेब का पेड़ था। राधिका स्कूल से लौटकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर कोयल की मीठी आवाज सुनती थी और अपना होमवर्क करती थी। हर साल सेब पकने के टाइम पर अंकित गांव आता था और अभिषेक के साथ सेब बेचकर वापस दिल्ली लौट जाता था। पिछले 10 सालों में अंकित की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। एक दिन अभिषेक की पत्नी सुशीला पकोड़े पहुंचाने अंकित के घर पहुंची। राधिका, आज मैंने बहुत दिनों बाद प्याज के पकोड़े बनाए हैं, सोचा थोड़े तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अच्छा हुआ ताई, तुम यहाँ पकोड़े पहुंचाने आ गई, मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। कल पापा आए थे मेरे और मम्मी के लिए सोने की बालियां लाए हैं, एक जोड़ी आपके लिए भी बनवा कर लाए हैं। शीला ने लपक के बालियां पकड़ी और भागते हुए अपने घर पहुंची। तुम्हारे छोटे भाई के पास इतना पैसा आ गया है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ साथ मेरे लिए भी बालियां बनवा दी हैं। जब अंकित शहर में इतना कमा रहा है तो तुम बाग में उसे हिस्सा क्यों देते हो? उसकी तो सिर्फ एक ही बेटी है, हमारे तो दो दो बेटियां हैं। खर्चा तो हमारा ज्यादा है ना? मैं हमेशा अंकित को उसका हिस्सा देता रहा हूँ। फिर अंकित का परिवार भी तो यहाँ है, जितना सारी संपत्ति पर मेरा हक है उतना उसका भी है। अंकित शहर में जो कमाता है उसका आधा हिस्सा तुम्हें भी देना चाहिए। शहर में वो अपनी मेहनत से कमाता है, वो अपनी कमाई का हिस्सा मुझे क्यों देगा? अभिषेक अपने भाई के प्रति वफादार था, लेकिन अभिषेक की पत्नी लगातार भड़काती रहती। आखिर कब तक अभिषेक अपनी अच्छाई को जिंदा रखता? धीरे धीरे वो भी अपनी पत्नी के प्रभाव में आने लगा। एक दिन राधिका के घर अंकित के दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया अंकित का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनते ही राधिका और उसकी माँ दिल्ली चले गए। अभिषेक और उसकी पत्नी भी अंकित को देख मिले, लेकिन जल्दी वापस लौट आए। अजय, ये ही मौका है बाग अपने कब्जे में लेने का। अब अगर समय गवाया तो बाद में पछताओगे। अभिषेक ने गांव के सरपंच से कहा। उनका भाई अंकित और उनका परिवार अब कभी गांव नहीं लौटेंगे, और अंकित के हिस्से का बाग सरपंच को बेच दिया। इतना उपजाऊ और कीमती बाग सरपंच ने तुरंत खरीद लिया। कुछ महीनों बाद राधिका अपने गांव वापस आई और अभिषेक के घर गई। ताई, पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, माँ वहीं पर है। हमारे बाग के सेब बेचकर ताऊ को जो पैसे मिले होंगे वो पापा ने मंगाए हैं। तुम्हारा बाग था लेकिन अब नहीं है, हमने सोचा तुम्हारा परिवार अब कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हमने तुम्हारा बाग सरपंच को फेंक दिया और मकान बनवा लिया। अब तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो कोने वाला सेब का पेड़ सबसे ज्यादा पसंद था उसे नहीं बेचा है, तुम उसके नीचे बैठकर आराम कर सकती हो। राधिका दौड़ती हुई सरपंच के पास पहुंची।
सरपंच जी, हमारा सेब का बाग हमें वापस कर दीजिए। पापा अस्पताल में हैं, सारा काम धंधा ठप हो गया है। बिना बाग के रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, मैं तुम्हारे ताऊ को पैसे दे चुका हूँ, जो भी बात करनी है उनसे करो। सरपंच ने राधिका को अपने घर से भगा दिया। राधिका बेचारी अपने बाप के पास गई और उसी कोने वाले सेब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, जहाँ वो अक्सर बैठा करती थी। अब पापा का इलाज कैसे होगा, मेरी पढ़ाई कैसे होगी, अब हम सब क्या खाएंगे। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ी तो उसने देखा पेड़ की डाली पर सोने की चीज चमक रही है। राधिका ने जब गौर से देखा तो पेड़ की डाल पर एक सोने का पक्षी बैठा हुआ था। राधिका काफी देर तक देखती रही। यकीन नहीं होता, वो सोने का पक्षी है। फिर अचानक वो पक्षी बोला। पक्षी के बोलते ही पेड़ पर लगे सारे सेब सोने के हो गए। ऐसा लगता है मैं जैसे कोई सपना देख रही हूँ। राधिका ने पेड़ पर चढ़कर सारे सेब टोकरी में इकट्ठे कर लिए और घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे सुशीला मिल गई। सुशीला ने देखा कि राधिका टोकरी में सोने के सेब भरकर ले जा रही है। उसने तुरंत राधिका को रोककर पूछा, अरे राधिका, ये सोने के सेब तुम्हें कहाँ से मिले? अच्छा हुआ ताई, तुमने कोने का पेड़ मेरे लिए छोड़ दिया था। उस पेड़ पर आज एक सोने का पक्षी आया, जैसे ही वो बोला तभी सारे सेब सोने के बन गए। मैं इन सेबों को शहर में बेचने जा रही हूँ पापा का इलाज कराने। शीला ने तुरंत अभिषेक को सोने के पक्षी के बारे में बताया। अजी, उस पक्षी को पकड़कर हमें बाग में ले जाना चाहिए, फिर एक एक पेड़ पर पक्षी को बैठाकर बुलवाना चाहिए, जिससे हमारे पूरे बाग के सेब सोने के बन जाएं। एक बार वो सोने का पक्षी हमारे हाथ लग जाए तो हमारी बेटियों की जिंदगी बन जाएगी। अगले दिन सुशीला उस सोने के पक्षी को पकड़ने पहुंची। दोपहर बाद वो पक्षी उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। सुशीला ने पक्षी के ऊपर जाला डालकर पकड़ लिया। फिर सुशीला उस पक्षी को पिंजरे में डालकर अपने बाग में ले आई और एक पेड़ पर रख दिया और पक्षी को बोलने पर मजबूर करने लगी। सुशीला काफी देर तक कोशिश करती रही, लेकिन वह पक्षी नहीं बोला। आखिर में एक नुकीली लकड़ी से पक्षी को चुभाना शुरू किया। तभी पक्षी गुस्से में बोला और उसके बोलते ही सुशीला सोने की बन गई। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा है कि अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।